नमस्कार दोस्तों, विचार विश्वास विजय यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं एक शेर से। रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को होती है, सितारों की ज़रूरत आसमान को होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सुनिएगा अच्छा से और गौर फरमाइएगा। रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को होती है, सितारों की ज़रूरत आसमान को होती है। विचार विश्वास विजय को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शिक्षा की ज़रूरत हर इंसान को होती है। चलिए, हमने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रो और टोटल क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 to 11 क्वेश्चन हमने देखा था। आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो पार्ट। आइए, यहाँ पे लिखा गया ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें क्या है, स्पेसिफिक कुछ आपके पास एंगल्स होगा, क्या होगा आपका एंगल्स, यानी कि आपका कोण होगा आपके पास में, और इसका रेशियो देखेंगे, रेशियो। और आपने क्लास 8 में रेशियो को आसान, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के बारे में आपने पढ़ा होगा, समझा होगा आपने, जाना होगा आपने। चलिए, यहाँ पे कुछ वही कुछ रेशियो की बात करते, रेशियोज की कुछ बात करते, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा इसमें एंगल्स इसमें क्रिएट होगा, इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक में जो एंगल्स जो क्रिएट होगा, ये होगा आपका 0 degree, क्या हो जाएगा 0 degree, और 30 degree, और क्या हो जाएगा 45 degree, और 60 degree, और क्या हो जाएगा 90 degree। बस यदि आपने इस एंगल को बेहतर से आपने रिमेंबर कर लिया, तो सारा क्वेश्चन इजीएस्ट वे में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree। जान देखिए, जीरो पे तो क्या होगा, कोई एंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, यस या नो? 0 degree में कोई एंगल का फॉर्मेशन होगा नहीं, यस या नो? नहीं, यस नो? हाँ, नो, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं 30, 45 और 60 degree में, और 90 तो जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक की बात हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि वन एंगल तो फिक्स रहेगा 90 degree, यस या नो? चलिए सुन, देखते हैं यहाँ से। तो हम क्रिएट करते हैं, यहां से एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सुनिएगा अच्छा से ये कॉन्सेप्ट। वैसे हाइट एंड डिस्टेंस में मैं आपको सेवन ट्रायंगल्स में आपको बताऊंगा, और देखिएगा जितना सारा क्वेश्चंस है ना, आप आसानी से 3 से 4 सेकेंड में सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा इस ट्रायंगल की हेल्प से। तो अभी 7 ट्रायंगल्स की हम बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ 3 ट्रायंगल्स की, जो आपको 8.2 का जो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प होगा आपको। आइए समझेंगे, ये तो फिक्स है कि ये क्या होगा 90, यस या नो? यस, 90। सेकेंड ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने पहले बताया 3 ट्रायंगल्स की बात करेंगे, और कैसा ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज। एक थर्ड एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। वन एंगल फिक्स होगा 90 degree। ऐसा हम सोचते हैं कि ये 90, इस एंगल को हमने क्या लेट कर लिया, 30, क्या कर लिया 30 degree, कोई दिक्कत आपको? एक बार हमने एंगल को कर लिया, हमने कौन सी 60, और थर्ड टाइम्स में क्या कर लिया हमने 45। बस इसके बाद तो कुछ नहीं बनेगा, क्यों, जीरो पे तो कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और 90 तो ऑलरेडी मेंशन है, यस या नो? तो जीरो और 90 से हम यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, 30, 45, 60। आइए जानते हैं, समझिएगा अच्छा से। यहाँ पे हमने 10, 30 क्या होता है, यहाँ से आप रिमेंबर करेंगे, 10, 30 1/√3, क्या होता है 10, 30 1/√3, यस या नो? यस। अभी हमने बताया था आपको कि 10 थीटा को रेशियो में क्या रिप्रेजेंट करिएगा, पी अपॉन में बी। 10 थीटा को रेशियो में क्या रिप्रेजेंट करिएगा, P/B, यस या नो? ठीक है, आ जाइए। तो 10 को P/B लिखिएगा ना जी, सुनिए। और यहाँ से हमें देखिए, हमने थीटा को 30 लेट किया यहाँ पे, यस या नो? तो 30 के सामने में क्या हो जाएगा P, यस या नो? ये क्या हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा B,
और ये तो 90 के सामने में हमेशा क्या होगा एच, 90 के सामने कभी चेंज होने वाला है नहीं। ये तो हाइपोटेनस हमेशा होगा, एंगल के सामने में क्या होगा परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग बचा क्या हो जाएगा बेस। यहाँ से हमने ये जाना कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा वन, और यहाँ से बेस क्या हो जाएगा रूट थ्री। जब परपेंडिकुलर वन होगा और बेस होगा रूट थ्री तो बताइए एच कितना होगा, टू नहीं होगा, होगा। कैसे हुआ समझिए, पता होगा आपको कि एच का स्केयर पी का स्केयर प्लस में क्या होता है बी का स्केयर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम, यस या नो। चलिए तो यहाँ से क्या होगा एच का स्केयर, यहाँ पे पी क्या है वन, तो वन का स्केयर, बी क्या होगा रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्केयर, वन का स्केयर वन हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाए हिंद, यहाँ से थ्री, थ्री वन क्या हो जाएगा फोर, स्क्वायर को हटाना है रूट को लगाना है, क्या हो जाएगा टू। अब देखिए यहाँ से बोलेंगे जब ये थर्टी हो जाएगा, क्या होगा जब थर्टी होगा तो थर्टी के जस्ट सामने में क्या होगा वन, तो फिर क्या होगा नीचे में क्या हो जाएगा रूट थ्री, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपको दो। यहाँ से कहेंगे हमेशा जो एच जो होगा एच ये पी का क्या होगा ट्वाइस, दोगुना होगा, यस या नो। हमने इस ट्रायंगल से हमने ये सीखा, ये काफ़ी हेल्प करेगा, समझिएगा अच्छा से, एच जो होगा एच ये हमेशा पी से क्या होगा डबल, कब होगा जब एंगल क्या होगा 30 डिग्री, हमेशा नहीं, जब एंगल को हमने 30 डिग्री लेट करेंगे तो जस्ट इसके सामने में क्या हो जाएगा वन और बेस क्या हो जाएगा रूट थ्री, तो एच क्या हो जाएगा टू। यहाँ से कह सकते हैं कि एच जो होगा ट्वाइस होगा किसका परपेंडिकुलर, यस या नो। और यहाँ से कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो होगा ये एच का क्या होगा हाफ, आधा होगा, यस या नो। इससे अब यहाँ से कह सकते हैं कि टेन को ही हमने क्यों लिया, आप कुछ भी लीजिए, आप कुछ भी लीजिए उससे क्या फर्क पड़ेगा आपका, लेकिन हम सभी को टेन, अब टेन लेके चलेंगे तो टेन ही लेंगे, कॉस तो कॉस ही लेके चलेंगे, हम टेन लेके चलते हैं, आपको जो मन होगा लीजिए, लेकिन इसको 100% इसको रिमेंबर रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको हमने क्या बोला, रिपीट अगेन, हमने वो ये बोला जब 10-30 लेंगे तो ये होगा वन और बेस क्या होगा रूट थ्री, तो एच क्या होगा टू हो जाएगा। यहाँ से ये कहेंगे एच क्या हो जाएगा पी का क्या होगा ट्वाइस, दोगुना होगा, और पी क्या होगा एच का क्या होगा हाफ, आधा होगा। ऐसा करता हूँ, ये आपने ट्रायंगल नंबर वन समझ गए होंगे, ठीक है। आइए सेकंड ट्रायंगल में आइए, आप 60 लेंगे तो यहाँ से 10-60 क्या लीजिएगा, 10-60 क्या होता है रूट थ्री अपॉन में वन, रेशियो में क्या लिखिएगा पी अपॉन में बी, यस या नो। अब इस बार एंगल को हमने क्या ले रखा है 60 डिग्री, यस या नो। आ जाइए 60 के सामने में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा रूट थ्री, यस या नो। बेस कितना हो जाएगा वन, और यहाँ पे एच क्या हो जाएगा टू। जस्ट वही वाला बात कि एच का स्केयर पी का स्केयर और बी का स्केयर, फिर देख लीजिए यहाँ से कि एच का स्केयर क्या होगा पी का स्केयर प्लस में बी का स्केयर, यस या नो। पी कितना है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्केयर यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, और प्लस में बी कितना होगा वन का स्केयर, स्क्वायर से रूट क्या होगा जय हिंद, यहाँ से क्या होगा थ्री प्लस में वन क्या होगा फोर, स्क्वायर को हटाना है रूट को लगाना है क्या हो जाएगा टू। यहाँ से हमने क्या सीखे, देखिए यहाँ से हमने ये सीखा कि बेस जो होगा बेस ये एच का क्या होगा आधा होगा, यस या नो। ये दिखा दे रहा है, ठीक है, ये टू नहीं, ये भी ठीक है, ये दिखा दे रहा है। यहाँ से देखिए स्क्वायर को हटाना है रूट को लगाना है, ये एच क्या हो जाएगा रूट फोर क्या हो जाएगा टू, यस या नो। सुनिए तो यहाँ से हमने ये सीखा यहाँ से कि जब 60 एंगल क्या होगा 60 होगा एंगल, तो ये बी क्या होगा एस से क्या होगा आधा होगा, यस या नो। कब होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सुनिए लिसन केयरफुली, जब एंगल व्हेन थीटा क्या होगा 60 डिग्री, जब एंगल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो बेस जो होगा वो एच का क्या होगा हाफ होगा, और यहाँ से कह सकते हैं कि एच जो होगा ये बेस का क्या होगा ट्वाइस, अब हाँ दोगुनी। अब कंपेरिजन करिए किससे,
30 और 60 से करिए। हमने 30 में क्या बोला था कि H क्या हो जाएगा, ट्वाइस होगा, किसका, परपेंडिकुलर का, और परपेंडिकुलर क्या होगा, H का हाफ होगा, यस या नो। वैसे 60 में क्या होगा आपकी B क्या हो जाएगा, H का हाफ होगा, और H क्या हो जाएगा आपका, B का क्या होगा, ट्वाइस होगा। ऐसा करता हूँ दोनों ट्रायंगल को आपको बेहतर से आपने समझा होगा, आपने जाना होगा, यस या नो। यस, सुनिए अब आते हैं यहाँ से थर्ड ट्रायंगल, किस पे आते हैं, थर्ड ट्रायंगल पे, समझिए। वेन एंगल 45 डिग्री, जब 45 डिग्री होगा तो क्या होगा, सुनिए। 45 होगा तो हम लिखेंगे 10 45, क्या लिखिएगा, 10 45, यस या नो। और 10 45 क्या होता है, 1/1, तो क्या होगा, P अपॉन में क्या हो जाएगा, B, यस या नो। तो 45 के सामने में, 45 के सामने क्या हो जाएगा, 1, और B क्या हो जाएगा आपका, 1, यस या नो। तो यहाँ से H को फाइंड करना होगा, तो H का स्क्वायर क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, B का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यस या नो। यहाँ से H का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 2, स्क्वायर को हटाना है, रूट को लगाना है, ये क्या हो जाएगा, रूट 2। अब हम कहेंगे यदि 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, तो इसका परपेंडिकुलर और बेस ऑलवेज क्या होगा, सेम, यस या नो। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, सेम, यस या नो। अब यहाँ पे आ जाइए, एक चीज मुझे ये बताइए कि वन एंगल तो फिक्स हो गया 90, तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ जो ट्राइंगल जो होगा आपका, ट्राइंगल का जो सम क्या हो जाएगा, 180। जब ये राइट एंगल है तो वन एंगल तो 90 फिक्स है, और हमने एक एंगल को 30 फिट कर लिया, तो सेकंड क्या हो जाएगा, 60, यस या नो, यस या नो। यहाँ से वन एंगल को 60 डिग्री हमने फिक्स कर लिया, तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, 30। हमने वन एंगल को 45 फिट किया, तो ये क्या हो जाएगा, 45, यस या नो। अब यहाँ से और 25 ग्राम समझेंगे, यहाँ से और कि 30 के सामने 1 रहेगा तो 60 के सामने क्या रहेगा, यस या नो। तो 90 के सामने क्या रहेगा, 2। रेशियो में 60 के सामने क्या रहेगा, रूट 3, तो 30 के सामने में क्या रहेगा, 1, और 90 के सामने रहेगा 2। और 45 देखिए, सुनिए, 45 के सामने में 1, यस या नो। तो यहाँ से कहेंगे 45 के सामने में क्या होगा, ये भी अच्छा से फाइंड कर सकते हैं, 45 के सामने में क्या है, ये भी क्या होगा, एच नहीं फाइंड कर लेंगे। आशा करता हूँ यदि इस 3 ट्राइंगल्स को आपने अच्छा से समझा होगा तो एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज में तो काम आपको आएंगे, साथ में चैप्टर 9 जो करेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ पे भी आपको बेहतरीन तरीका से एक अलग अंदाज में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। आशा करता हूँ इस ट्रायंगल को आपने समझा होगा। कुछ डाउट है इसमें, पूछना है कुछ, नहीं। चला जाए, मिटाओ इसे, चलिए मिटाओ। चलिए अब जानते हैं टेबल 8.1 सारणी, काफ़ी ज़्यादा इससे भी कुछ सुनाता है आपको एग्जामिनेशन में, देखिएगा अच्छा से और आसानी से भी मैं आपको याद करा दूँगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं, हम जानेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे ये नहीं करना है मुझे कि वैसे एंगल तो और भी आपका होगा, 31 का भी होगा, 32 का भी है, एंगल तो बहुत सारा आपका होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको जानना है ना, जो मेजर, जो मेन जो आपका है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इससे आपको आसान से पूछेंगे कि साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा एंड साइन 90 डिग्री क्या होगा। चलिए जानते हैं, यहाँ से पहले ये टेबल के देखिए, यहाँ से साइन कॉस टेन क्या है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट, कॉसेक से कॉट। यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि टेन थीटा, टेन ए, यहाँ तो थीटा में नहीं, क्या माना यहाँ से एंगल,
ए, तो टेन ए को रेशियो में क्या लिखिएगा, पी बाय बी चाहे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये लिखिएगा ना, टेन आपको निकालना होगा, फाइंड करना होगा, तो साइन थीटा अपॉन में क्या होगा कॉस थीटा, यहां से आएंगे कॉट, कॉट ए फाइंड करना होगा, तो क्या लिखिएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या लिखिएगा साइन थीटा, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये बात बताइए कि साइन का अपोजिट क्या होगा कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट, रिपीट अगेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट, आइए जानते हैं इसके बारे में। हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां से कि जीरो वन टू थ्री फोर, क्या हम ऐड करेंगे जीरो वन टू थ्री फोर, कैसा नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, वैसा नंबर जो स्टार्टिंग कहां से हो जीरो से स्टार्टिंग हो, चला जाए जीरो वन टू थ्री फोर ले लिया हमने, करना है क्या, सबके अपोन में मीन्स डिनोमिनेटर मीन्स आपका हर, हर में क्या करना फोर से डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर लिया, एक होल नंबर जीरो वन टू थ्री फोर लिया, फिर क्या किया हमने कि फोर से डिवाइड किया, और उसके बाद क्या कर दिया, सबको टोपी पहना दिया यानी कि रूट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्या लगा दिया सब में टोपी। फर्स्ट में क्या किया हमने कि होल नंबर जीरो वन टू थ्री फोर लिखा, सेकेंड में क्या कर दिया हमने सभी के डिनोमिनेटर में फोर कर दिया, और क्या लगा दिया रूट, ऐसा काम क्यों किया, वही एंगल को यानी ये आपका एंगल को ही फाइंड करने के लिए, यस या नो, आइए आपको पता होगा कि फोर को जीरो से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा तो रूट क्या हो जाएगा जीरो, यस या नो। यहाँ से दो चीज़ और सीखिए, जीरो अपॉन में फोर या फोर अपॉन में जीरो, नीचे में मीन्स डिनोमिनेटर में तो कभी जीरो आएगा ही नहीं, आता है कह देंगे नॉट डिफाइंड, क्या कह देंगे नॉट डिफाइंड, हिंदी में अपरिभाषित, इसे परिभाषित नहीं किया जाएगा, इसे डिफाइन नहीं किया जा नहीं किया जाएगा, आसान में चलिए, तो नीचे में कभी भी जीरो नहीं होगा और ऊपर में जीरो है तो क्या हो जाएगा आपका, और आपने रेशनल नंबर भी पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे क्या आता है कि व्हेन नंबर वैसा संख्याएं विच इज रिटेन बाय पी अपॉन में क्यू, पी अपॉन क्यू में तो रिटेन करेंगे बट वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यों, जब जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफरेंट। आप आसानी से रेशनल इरेशनल पढ़ा होगा आपने, इमेजिनरी पढ़ा होगा, रियल पढ़ा होगा, इंटीजर पढ़ा होगा, होल पढ़ा होगा, प्राइम पढ़ा होगा, को प्राइम पढ़ा होगा, पता नहीं कौन कौन से नंबर आपने पढ़ा होगा, सर बात करेंगे आपका, चलिए तो यहाँ से क्या होगा रूट जीरो, यहाँ बताइए वन का क्या हो जाएगा रूट वन और फोर का क्या हो जाएगा टू, यस या नो, इसे टू टू जा फोर, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन और वन का रूट क्या हो जाएगा वन और टू का क्या हो जाएगा रूट टू, यस या नो, थ्री का क्या हो जाएगा रूट थ्री और फोर का क्या हो जाएगा टू और दोनों जय हिंद होगा तो क्या हो जाएगा वन, यस या नो, रूट जीरो क्या हो जाएगा जीरो वन अपॉन में टू वन अपॉन में रूट टू और रूट थ्री अपॉन में टू और क्या हो जाएगा वन, यस या नो। चलिए अब यहाँ से कि सबको उठा करके और यहाँ पे क्या कर देना है सेट कर देना है, आता है ना करने, अब कहेंगे यहाँ से क्या जीरो उसके बाद वन अपॉन में टू फिर क्या हुआ वन अपॉन में रूट टू रूट थ्री अपॉन में टू और क्या आ गया आपका वन, बस यही तो वैल्यू है आपका साइन जीरो जीरो। सुनिए यहाँ पे एंगल क्या ले रखा है ए, तो एंगल चेंज ना करेंगे, यहाँ पे ए में क्या देंगे जीरो, फिर सेकेंड टाइम थर्टी, फिर थर्ड में फोर्टी फाइव, फिर आपका 60 और फिर आपका 90। सुनिएगा अच्छा से, जब साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, साइन 30 वन अपॉन में टू, साइन 45 साइन 60 साइन 90 रिपीट अगेन,
साइन जीरो जीरो साइन तीस साइन फोर्टी फाइव साइन सिक्सटी एंड साइन नाइन्टी। बताइए आसानी से हमें निकाला कि नहीं। एक बार फिर से बताऊं, हमने होल नंबर जीरो वन टू थ्री फोर लिखा, सबको फोर से क्या कर दिया, सभी डिजिट को फोर से क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया और क्या लगा दिया, रूट लगा दिया और सभी का रूट अंडर फाइंड कर लिया। तो जीरो वन अपॉन में टू, वन अपॉन में रूट टू, रूट थ्री अपॉन में टू और वन, और बस इसको यहाँ पे फिट कर दिया। यस या नो? अब देखिए कॉस को फाइंड करना होगा, तो इस बार क्या किए, स्टार्टिंग से किए ना, तो इस बार लास्ट से लिखेंगे, लास्ट से, लास्ट ना, अंतिम से प्रथम की ओर, कहाँ, इस यहाँ से, अभी हमने यहाँ से निकलते, यहाँ से इधर से निकलते इधर की ओर, अब जाना है इधर से, कहाँ जाना है, सबसे फर्स्ट टाइम में वन, सेकेंड रूट थ्री अपॉन में टू, थर्ड में वन अपॉन में रूट टू, फोर्थ में वन अपॉन में टू और फिफ्थ में जीरो। यस या नो? यस। यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखिएगा, वन फर्स्ट में, उसके बाद रूट थ्री अपॉन में टू, और ये तो अपना जगह नहीं छोड़ेगा क्योंकि अपना फेस इसको ज़्यादा पसंद है इसको, और उसके बाद क्या बचा, वन अपॉन में टू, फिर क्या हो गया, जीरो। बस देखिए टेबल भरते जा रहा है, देखिए आराम से टेबल को, देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक बार पकड़ लिया, आपने समझ लिया, बिल्कुल आसानी से फील कर लीजिए, आसानी से, बिल्कुल आसान है। और इसके बाद मैं आपको याद भी कराऊंगा, चिंता मत करिए। आते हैं टेन के पास, तो टेन को क्या रिप्रेजेंट करिएगा, साइन अपॉन में कॉस। यस या नो? टेन को लिखिएगा साइन अपॉन में कॉस, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, टेन लिखेंगे क्या, साइन अपॉन में, साइन अपॉन में, आप बताइए जीरो अपॉन में वन, जीरो अपॉन में, जीरो अपॉन में वन, यही तो होगा टेन जी, जीरो अपॉन में वन क्या हो जाएगा, जीरो। यस या नो? वन अपॉन में टू अपॉन में रूट थ्री अपॉन में टू, इसे क्या लिखिएगा, वन अपॉन में टू अपॉन में रूट थ्री अपॉन में टू, टू और टू क्या होगा, जय हिंद, वन अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट थ्री, ये क्या होगा, वन अपॉन में रूट थ्री। यस या नो? और देखिए जस्ट अभी बात क्या था, टेन थर्टी ट्राइंगल, ट्राइंगल रिकॉल करिए, अभी ट्राइंगल नहीं बात क्या था, टेन थर्टी वन अपॉन में रूट थ्री और टेन सिक्सटी रूट थ्री और टेन फोर्टी फाइव, देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या होगा, वन, टू से टू कैंसिल होगा क्या होगा, रूट थ्री। आ सुनिए, अभी ये बताया था कि अपॉन में जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड, क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड, ये क्या है, नॉट डिफाइंड, हाँ हिंदी में से क्या कहेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। चलिए हिंदी भी जान लेते हैं, क्यों, पता होगा कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा, जो हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, आर्टिकल 343, कौन सा आर्टिकल 343 के तहत, जो हमारे संविधान के पार्ट 17 में है। चलिए पॉलिटिकल क्लास नहीं है, फिर मैंने यहाँ बता दिया, ध्यान रखिएगा, 14 हिंदी दिवस कब करते सेलिब्रेट, 14 सितंबर को, टीचर्स डे के कितना दिन बाद, 5 सितंबर टीचर्स डे और 9 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, यस या नो? चलिए आएंगे, अभी डेट भी याद कराएंगे आपको, यहाँ भेजिए, यहाँ से क्या होगा, वन अपॉन में जीरो क्या लिखिएगा, नॉट डिफाइन, इसे डिफाइन नहीं कर सकते। सुनिए कॉसेक फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, आप ही बताइए, साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक, तो इसे करिएगा अपोजिट, नीचे में क्या हो जाएगा, वन। यस या नो? उल्टा ना करिएगा जी, या जीरो, यहाँ पे क्या है, जीरो अपॉन में वन, वन जाएगा ऊपर, जीरो कहाँ आएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यस या नो? इसे क्योंकि कॉसेक क्या होता है, अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो टू जाएगा ऊपर, वन कहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, टू, ये क्या हो जाएगा, रूट टू, ये क्या होगा, टू अपॉन में रूट थ्री और वन अपॉन में क्या हो जाएगा, वन। यस या नो? यस या नो? यस। अब आ जाइए, तो सेक जो होता है ना, ये इसका होता है अपोजिट, क्या होता है, सेक होता है कॉस का अपोजिट, लेकिन इस वैल्यू को यदि हमने पलट दे,
वो या तो आप कॉस को उल्टा वन अपॉन में वन तो क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ से इस वन को यहाँ लेके आइए, लेके आ गए, उसके बाद टू अपॉन में उसके बाद रूट टू उसके बाद टू और फिर नोट यस या नो यस या नो अब आइए कॉट फाइंड करना होगा। तो जैसे हमने टेन को साइन अपॉन में कॉस, वैसे कॉट को क्या लिखिएगा कॉस अपॉन में, यहाँ पे आ जाइए कॉस अपॉन में साइन, कॉट फाइंड करना होगा तो कॉस अपॉन में कॉस क्या है यहाँ पे, साइन क्या है यहाँ पे, साइन कहाँ गया, कॉस अपॉन में साइन यानी कि वन अपॉन में जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। रूट थ्री अपॉन में टू इसे क्या लिखिएगा, रूट थ्री अपॉन में टू कॉस अपॉन में साइन वन अपॉन में टू दोनों जय हिंद होगा, क्या होगा रूट थ्री यस या नो, यहाँ पे क्या लिखिएगा दोनों क्या हो जाएगा, जय हिंद क्या होगा वन यस या नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन में टू अपॉन में क्या होगा रूट थ्री अपॉन में टू, टू से टू क्या होगा जय हिंद, वन अपॉन में क्या हो जाएगा रूट थ्री यस या नो, और यहाँ पे आ जाइए क्या होगा जीरो अपॉन में क्या हो जाएगा वन, जीरो अपॉन में one. इसका मतलब क्या होगा जीरो। आशा करता हूँ इस टेबल को आपने भी समझा हो यस या नो। अब यहाँ से चलिए यहाँ से फिर रिमेम्बर करते हैं, एक तो ये तरीका देखा और इसका एक ये भी आता है कि मतलब कि हैंड पे करिएगा आपका तो जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी यस या नो, ऐसे करिएगा क्या हुआ जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन्टी। तो आशा करता हूँ इसमें ना करें आप, इसमें कभी मान लीजिए उल्टा पुल्टा हो जाएगा आपका तो गड़बड़ा जाएगा आपका यस या नो। अब मुझे याद है मुझे जो डेट जो याद करें डेट डेट बोलते हैं कि ये ऊंचा है तो इकतीस और नीचा है तो तीस और सबसे नीचा है तो अट्ठाइस, ये कहीं ना कहीं ऑड है, या इसे करिए कि तीस दिन का माह सेप्टेम्बर, अप्रैल जैसा जून नवंबर और 28 या 29 को फरवरी मानिए और बाकी सब को 31 जानिए, बस छोटा पैकेट बाद धमाका। रिपीट करता हूँ 30 डेज का यानी 30 दिन का माह सितंबर के मंथ सितंबर, 30 दिन का माह सितंबर अप्रैल जैसा जून नवंबर, इसका मतलब अप्रैल जून नवंबर होगा 30 दिन का यस नो, 30 दिन का माह सितंबर अप्रैल जैसा जून नवंबर और 28 या 29 को क्या मानिए फरवरी मानिए और बाकी जितना बचा सबको 31 जानिए यस या नो, मिला लीजिएगा ये ऊंचा नीचा मत करिएगा। आ जाइए यहाँ से अब इसको आसानी से फिर याद करते ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको मैं फिर फ्रेश करता हूँ ठीक है। देखिए यहाँ से आप क्या बोलेंगे याद करिए, अब इसका भी याद सुनाना है आपको, यहाँ से कहेंगे कि साइन थर्टी, साइन थर्टी की देखिए यानी कि साइन जीरो का जो वैल्यू होगा वो कॉस में किसका होगा 90 का, यानी कि साइन जीरो का जो वैल्यू होगा वो कॉस में क्या होगा 90 का, याद ऐसे करेंगे जो साइन जीरो की वैल्यू होगा वो कॉस क्या होगा 90 का यस या नो, जो साइन थर्टी की वैल्यू होगा वो कॉस किसका होगा 60 का, तो 32 जाएगा 60, हम कहेंगे साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो किसका होगा कॉस में 60 का, और आप याद कर लिए यहाँ से साइन 45 और कॉस 45 क्या होगा बोथ आर इक्वल, दोनों क्या होगा यानी कि साइन 45 और कॉस 45 क्या हो जाएगा यस या नो, साइन 45 और कॉस 45 क्या होगा इक्वल, जो साइन जीरो होगा वो कॉस में क्या होगा 90, जो साइन जीरो कॉस और जो साइन 90 का होगा कॉस किस में होगा जीरो यस सर, समझ अच्छा से, जो साइन जीरो की वैल्यू होगा कॉस में 90 और जो कॉस 90 का होगा साइन में जीरो यस या नो, साइन 31 अपॉन में टू तो कॉस में क्या होगा 60 और जो साइन 60 का होगा कॉस 30 का होगा यस या नो। आशा करता हूँ इस दोनों को आपने याद कर लिया होगा, जो साइन जीरो कॉस 90, जो कॉस 90 और साइन जीरो, जो साइन 30 ओ कॉस 60 और जो साइन 60 ओ कॉस 30, अब 45 में क्या है दोनों सेम यस या नो। और 30 में तो हमने अभी आपको याद करा दिया था कि 10 31 अपॉन में रूट थ्री और 10 60 रूट थ्री यस या नो, और आ जाइए और इतना पता होगा 10 होगा साइन अपॉन में कॉस तो जीरो अपॉन में वन क्या हो जाएगा जीरो यस या नो। और बताइए कि मुझे 10 45
10:45 और cot 45 मिलके क्या हो जाएगा 1। देखिए 10:45 और cot भी आ जाए, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वली। यस या नो? यस या नो? वो 10 क्या होता है sin अपॉन में cos, और cot क्या होता है cos अपॉन में sin, दोनों क्या हो जाएगा आपका 1। यस या नो? यस या नो? तो ऐसा करके आप सभी को फिर से बोलिए sin 0 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 क्या होगा? और पता होगा 10 ऐसे बोलेंगे, 10:31 अपॉन में रूट 3, 10:60 रूट 3 और 10:45 क्या बोला था 1 और कॉट 45 वन। यस या नो? आप कहते हैं 10:0 क्या होगा शून्य, क्यों 0 क्योंकि साइन अपॉन में कॉस तो 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा 0। यस या नो? और क्या कहेंगे 10 में 90 को डिफाइन नहीं कर सकते। आशा करता हूँ आप सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस 10 को ही रिमेंबर करिएगा। साइन का रिमेंबर करना है आपको, कॉस का करना है और क्या करना है आपको 10 करना, बस यही sin cos 10 sin cos 10। और cos sec पूछेगा तो sin का अपोजिट, और sec पूछेगा तो cos का, और cot पूछेगा तो 10 का। सबको उल्टा पलटा के आसानी से बना लीजिए। यस या नो? आशा करता हूँ आपने टेबल को अच्छा से समझा होगा, सीखा होगा, रिमेंबर कर लेंगे आप इसे आसानी से। आसान काम है कि साइन 0 30 45 60 90 और आसानी से हम होल नंबर को मेंशन करेंगे, अपॉन में 4 लगाएंगे, रूट लगाएंगे, सोल्व करेंगे, आसानी से आएगा 0 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में रूट 2, रूट 3 अपॉन में 2 और 1। ऐसा करता हूँ इस टेबल को आप लर्न कर लेंगे। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2। किस पे आते हैं 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि हमने 5th तक हमने 8.1 में हमने बात कर लिया था, और तो आएंगे आपका 6। किस पे आएंगे? तो एग्जांपल 6 की बात करते हैं, इसको मैं करता हूँ रफ करता हूँ। नाउ डिस्कशन एग्जांपल नंबर 6। आ जाइए, क्या बोला है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्या कर रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका गिवन है फिगर 8.1 में, ये फिगर मेंशन है आपके क्वेश्चन में। और ये ट्रायंगल कैसा है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पे राइट एंगल ट्रायंगल है? बी पे। एंगल जो बी है ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल मींस 90 डिग्री। तो पूछा जा रहा है ए बी इक्वल टू 3, ये ए बी क्या दे रखा है? एंड ए सी बी, एंगल जो आपका ए सी बी हमेशा मिड वाले होता है एंगल, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि एंगल ए सी बी, तो हमेशा मिड वाले क्या होता है? एंगल। तो ए सी बी और क्या पूछा है? 30 सी फिगर 8.19, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी, फाइंड करना है बी सी कितना होगा और ए सी कितना। ए बी और बी सी, ए सी नहीं, ए बी और बी सी, वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपका है ए, अच्छा ए सी पूछा है, तो ए सी और क्या पूछा आपको? बी सी। ए बी लिखा हुआ, तीन लिखा हुआ आपने, कहाँ पे? ऊपर। अच्छा ए बी यहाँ पे क्या है? बांध दिया हुआ है, आपने तीन दिया। अच्छा ए बी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यस या नो? यस या नो? ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो मुझे बी सी और ए सी फाइंड करना है। चले चलिए यहाँ से अभी हम चलते हैं ललन टॉप कॉन्सेप्ट चलेंगे, पहले जानते हैं बेसिक से फिर चलेंगे कॉन्सेप्ट। चलिए इसका आंसर तो आएगा एक सेकेंड में, आएगा एक सेकेंड से एक सेकेंड में आ जाएगा, लेकिन आते पहले कॉन्सेप्ट। हम ऐसा करते हैं कि मुझे फाइंड करना है बी सी, और 30 के सामने क्या होता है? पी। तो पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी, और पी अपॉन में बी क्या होता है रेशियो में? पी आपको दिया है गिवेन, बी आपको फाइंड करना है, और पी अपॉन में बी क्या होता है? 10। क्या होता है? 10। तो हम यहाँ साइन लेंगे नहीं, कॉस लेंगे नहीं, क्या लेंगे? 10। और या नहीं तो कॉट ले सकते हैं, ऐसा भी होगा कि b अपॉन में b, या तो 10 या तो हम लेते हैं 10। क्या लेते हैं? 10 30। 10 ही क्यों लिया? क्योंकि रेशियो किसका है? p और b का। cot भी ले सकते हैं। चलिए
टेन थर्टी क्या होगा, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी। यस या नो? यस। अभी जस्ट सिखा हमें कि टेन थर्टी क्या होता है, वन अपॉन में रूट थ्री इक्वल टू ए बी क्या है फाइव, बी सी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी को वन से टकराएंगे, वन की क्या औकात, कुछ भी नहीं, क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू फाइव रूट थ्री। यस या नो? Yes. आसानी से फाइंड किया बी सी क्या होगा फाइव रूट। अब आते हैं ए सी के पास। देखिए आपको ए सी में फाइंड करने के लिए ये क्या होगा एच, क्यों 90 के सामने में होता है एच। यस या नो? ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा पी। तो पी अपॉन में एच, पी अपॉन में H. और पी अपॉन में एच क्या होता है साइन थीटा। यस या नो? यस या नो? Yes. तो यहां से लेंगे साइन थीटा लेना होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा ए बी अपॉन में क्या होगा ए सी, क्योंकि मुझे ए सी फाइंड करना है। साइन, हाँ साइन थीटा में क्या लीजिएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या होगा ए बी अपॉन में ए सी। साइन 30 वन अपॉन में टू, ए बी, ए बी क्या है फाइव और ए सी फाइंड करना है। आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या होगा ए सी इक्वल टू क्या होगा टेन, तो ये क्या हो जाएगा टेन, ए सी टेन और बी सी फाइव रूट थ्री। यस या नो? अब सुनिए, ये सेंटीमीटर में होंगे, हाँ हाँ कर सकते हैं, तो उससे हाँ उससे क्यों, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, क्यों, जब आपको ए बी पता चल गया और बी सी तो हम नहीं निकाल सकते, ए सी का स्क्वायर क्या हो, ए बी स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। यस या नो? लेकिन अब समझेंगे, जब अपने पास एंगल अवेलेबल है हम क्यों नहीं एंगल का यूज़ कर लें, समान है तो यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, हमने एंगल को यूज़ किया। अब समझिए, हमने आपको इंट्रो पार्ट में थ्री ट्राइंगल्स बताया था और बोले थे समझिएगा तो विद इन वन सेकेंड में वी कैन सोल्व। अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं, सुनिए कैसे। मुझे इतना पता है कि 30 में क्या हो जाएगा, 30 में कि हमने ट्राइंगल तो आपका ये है, ये क्या हो जाएगा 30 और ये क्या है 90। हमने बताया था कि 30 के सामने में 1 तो अपॉन में क्या होगा रूट थ्री, ये क्या होगा 2। यस या नो? क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन बोला कि नहीं नहीं 1 नहीं, हमने यहाँ मेंशन किया ए बी सी, तो उसने बोला कि 1 नहीं लेना है, क्या लेना है बताइए, रेशियो में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से, इसको भी, क्योंकि ये 5 से, क्योंकि ए बी क्या दिया था 5, तो अब ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 10 और ये क्या होगा 5 रूट। बताइए इतना क्यों करेंगे, यदि यही क्वेश्चन एमसीक्यू वेस्ट में आ जाए तो इजीली आप 1 सेकेंड में इसे फाइंड कर सकते हैं, कब, जब ये ट्राइंगल आपको है। सुनिए फिर से, 30 के सामने में 1, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे 2, क्वेश्चन में ये बोला है ए बी क्या हो जाएगा 5, तो हमने 5 से सभी में क्या कर दिया, क्योंकि बल देखा रेशियो में है, रेशियो में आपने क्लास में पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो में सेम चीज़ से मल्टीप्लिकेशन और सेम चीज़ से डिवीज़न कर सकते हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 5√3 कौन सी सेंटीमीटर, एंड ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यस या नो? रफ किया जाए इसे। आइए नाउ डिस्कशन एग्जाम्पल नंबर 7, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पे है क्यू पे, सामने क्या होगा एच, थीटा के सामने क्या होगा पी, क्या होगा बी, इसमें थीटा किसको लेट कर रखा है आर। उसके बाद डिटरमाइन करना है आपको क्यू पी आर, सुनिए क्यू पी आर ये एंगल क्या होगा, हमेशा क्या है एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये थोड़ा छोटा होता है क्यू पी आर, ठीक है, ये सेकंड में क्या है पी आर क्यू, पी आर क्यू हमेशा मिड वाले क्या होता है एंगल, यही मिड वाले,
तो पी और आर ये दोनों एंगल फाइंड करना है, ये और ये। सुनिए, थोड़ा बुद्धि लगाते हैं इसमें, क्या लगाते हैं, बुद्धि का यूज करेंगे। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे मैंने मुझे पी और एच गिवेन है, पी और एच। तो आप ये मुझे बताइए, पी और एच रेशियो में पी अपॉन में एच किसका होता है, पी अपॉन साइन थीटा, क्या होता है साइन। यदि हम यहाँ से लेते हैं साइन आर, क्या लेते हैं साइन आर, कोई दिक्कत नहीं। साइन आर क्या होगा, पी अपॉन में एच, यानी क्या होगा पी क्यू अपॉन में क्या होगा या क्यों हमने साइन लिया, क्योंकि मुझे क्या है रेशियो में पी अपॉन में एच, और पी अपॉन में एच क्या साइन ना होता है जी, कॉसेक से कॉट टेन तो ये तो नहीं होता है, नहीं लेंगे। अब मुझे ये बताइए साइन आर एंगल पता है आपको, नहीं नहीं दिया, और पी क्यू तो पता है ना, थ्री अपॉन में सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, वन अपॉन में साइन आर इक्वल टू, और अभी बताया था हमने कि साइन वन बाय टू, साइन थर्टी क्या होता है वन अपॉन में, क्योंकि साइन में वन बाय टू किसकी वैल्यू होता है साइन थर्टी, यस या नो, थर्टी थर्टी जय हिंद, हाँ साइन साइन यहाँ पे जय हिंद, आर क्या हो जाएगा थर्टी, यस या नो। यहाँ से हमने निकाला जो आर जो एंगल होगा कितना होगा थर्टी का, ये आर कितना होगा थर्टी, यस या नो। आप मुझे बताइए क्या ये एंगल फाइंड करेंगे, क्यों, टोटल तो होता होगा 180, ये क्या हो गया 90, ये क्या होगा 30, नेक्स्ट एंगल क्या होगा 60, कोई बात नहीं। अभी तुमने जाना कि 60 होता है, कैसे होता है निकाले तो कोई दिक्कत नहीं, यस या नो। सुनिए, हम इसको पी को लेंगे एंगल, तो सामने वाला क्या होगा पी, यस या नो, पी यस या नो, ये होगा पी, ये क्या होगा बी, और ये क्या होगा एच, यस या नो। आप बताइए बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, सुनिए यहाँ से, यदि मुझे एंगल फाइंड करना है पी, तो पी के सामने में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो आप ये मुझे बताइए कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बी अपॉन में पी क्या होता है, कॉ क्या, बी अपॉन में एच क्या होगा, बी अपॉन में H. और बी अपॉन में एच क्या किसका होता है, कॉस का होता है जी, साइन थीटा पी अपॉन में एच कॉस क्या होता है, याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, वेट करना है आपका, तो यहाँ से कॉस, कॉस क्या होगा बी अपॉन में H. अब कॉस लीजिए, यहाँ से क्या लीजिएगा, कॉस पी क्या होगा थ्री अपॉन में सिक्स होगा वन अपॉन में टू, और कॉस पी, कॉस में वन बाय टू किसकी वैल्यू होता है सिक्सटी की, कॉस क्या होगा, कॉस से कॉस जाएंगे पी क्या होगा सिक्सटी, यहाँ से पी एंगल क्या हो गया, हमने पहले ही फाइंड कर लिया था पी एंगल क्या होगा सिक्सटी। आशा करता हूँ कि देखिए यहाँ पे किसको साइन कॉस टेन किसको लिया जाए, तो हम वैल्यू को देख करके लेंगे, जिसका रेशियो दिया रहेगा वही ले लेंगे, यहाँ रेशियो था पी एच में तो हमने क्या लिया साइन, और यहाँ फिर दे रखा था आपका बी और एच में क्या लिया कॉस, और आसानी से हमने इस एंगल को, तो एंगल आर क्या होगा 30 डिग्री, और क्या हो जाएगा एंगल पी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इज द राइट आंसर, यस या नो, रफ करें इसे। नाउ डिस्कशन एग्जाम्पल नंबर 8, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन में टू, कॉस क्या दे रखा आपका, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वन अपॉन में टू, यहाँ दे रखा है कि ए प्लस बी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो डिग्री, और क्या है आपका, और नहीं लेस देन, ए प्लस बी जो ए प्लस बी क्या होगा जीरो से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोट होगा, ठीक है यहाँ पर आ जाइए, साइन ए माइनस बी वन, बस वही हिंदी में वही लिखा है आपका, जानते हैं यहाँ पे क्या, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है वन अपॉन में टू गिवेन है, यस या नो, एंड सेकेंड में क्या है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या है वन अपॉन में टू, यस या नो, यहां से नहीं ले सकते हम साइन ए माइनस बी इक्वल टू, और साइन वन बाय टू किसकी होती है साइन थर्टी, यस या नो, साइन से साइन
तो ए माइनस बी क्या होगा 30 डिग्री। यस या नो? यस। इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से कॉस ए प्लस बी, कॉस किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। कॉस से कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यस या नो? यस। या इसको करते हैं इक्वेशन सेकेंड। यस या नो? चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 30 और a प्लस बी क्या हो जाएगा 60। यस या नो? यस। एडिशन करिएगा, एडिशन करना है आपको, तो b से b क्या होगा जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में कैंसिल, तो 2a इक्वल टू क्या होगा 90। तो 2 से कट करेंगे क्या होगा 45। ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए क्या होगा 40। यस या नो? यस। यदि ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, यदि हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 45 प्लस में बी इक्वल टू क्या होगा 60 और बी क्या होगा 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा 50। समझिए ना सुनिए, यदि आपको चेक करना होगा इस क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग, तो चेक भी कर सकते हैं आप। ए की वैल्यूज, ए कितना है यहाँ बोला भी है ए ग्रेटर देन बी, ए की जो वैल्यूज होगा वो बी से क्या होगा बॉर होगा यानी कि बड़ा होगा। ए की वैल्यू क्या है 45 और बी की क्या है 15, तो ए क्या है ग्रेटर देन है बी से। यस या नो? और यहाँ चेक करना होगा तो कर सकते हैं साइन ए माइनस बी लिखा है, ए में क्या दीजिएगा 45 और बी में क्या दीजिएगा 50, तो 45 में से 50 होगा माइनस, तो क्या होगा साइन 30 और साइन 31 अपॉन में 2। यस या नो? इस पे चेक करिए 45 और 15 60 और कॉस 61 अपॉन में 2। यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए, आपको यहाँ पे नहीं इक्वेशन को सोल्व करने में आपको काम देगा। जैसे कभी आपको आ जाए कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 40, कुछ भी आ जाए आपको और कहें कि फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, तो एक्स फाइंड करना होगा क्या करना होगा, यदि एक्स फाइंड करना होगा तो दोनों का सम अपॉन में 2, तो 90 अपॉन में 2 क्या होगा 45। यस या नो? और दोनों का माइनस तो होगा 10 और 10 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 5, तो आ गया 45 और 5 दोनों का सम 50 और माइनस क्या हो गया 40। यस या नो? यहाँ पे वैसी बात था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में आपको ए बी आपको पूछना होगा, तो एक बार दोनों को क्या कर देना है सम, तो 60 30 क्या होगा 90 अपॉन में 2 45, एक बार क्या करना है दोनों को माइनस, तो 60 में से जाएगा 30 क्या होगा 30 अपॉन में 2 क्या होगा 15 डिग्री। यस या नो? कुछ भी क्वेश्चन आपको कैसा ही दे आपको, हाँ ध्यान रखें ये ए प्लस बी ए माइनस बी में होना चाहिए, इसके साथ कोई भी आपका कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। आसान में आपका आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है आपका एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज 8.2 का टोटल एग्जाम्पल्स क्या होता है ख़त्म होती हैं। अब हम आपसे बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का जितना सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है? तो इसी के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।